मैं आप लोगों से ये बात कर रहा था जी कि जब आप लोगों ने कोई भी किताब आप लोगों ने परचेज नहीं करती एज फार एज द कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग इज कंसर्न, यू आर नॉट सपोज टू बाय एनी बुक फ्रॉम द बाजार। रादर क्या होगा कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को चैप्टर पढ़ाना होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड मैं आप लोगों को पहले उसका एक्सरसाइजेस और उसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दिया करूंगा। तो लिहाजा आज मैंने आप लोगों के साथ जो है वो चैप्टर नंबर 5 जो है ना मैंने डिस्कस करना है। ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, और ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें जो है हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट जो है वो हमने बनाने सीखी है। आज इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और मैंने आप लोगों को इससे रेलिवेंट मैंने आप लोगों को जो है ना वो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भिजवा दिए हैं। अच्छा चलें, मैं आप सबसे पहले जो है ये एक स्टेटमेंट हमारे पास है, ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट। इसमें जो मैं जस्ट जल्दी से मैं ओवर कैप कर दूं, इसको रिकैप कर दूं कि जनाब ये जो स्टेटमेंट होती है इसमें आपने सबसे पहले मटेरियल लेबर और एफओएच को जमा करके आपने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी होती है, और उसके बाद जब ये कैलकुलेट हो जाती है तो आप इसमें क्या करते हैं कि इसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं, तो आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और जब आप इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं, तो आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद आपसे अगर पूछा जाए क्या आप इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी है, तो इनकम स्टेटमेंट का बड़ा आसान तरीका आप लोगों के सामने, आप क्या करेंगे सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और अदर इनकम ऐड कर देंगे, तो जनाब आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ आपके पास आ जाएगी नेट इनकम टैक्स बिफोर टैक्स, और टैक्स माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि दो तरह के फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, एक अप्लाइड होता है और एक एक्चुअल होता है। आज मैं थोड़ा सा पहले इसका सिनेरियो आप लोगों के साथ बता दूं। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये तो तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है ना, आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, इसमें आपका डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, फैक्ट्री एंड बिल्डिंग है, हीट एंड लाइट है, फ्यूल एंड पावर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर है, टूल्स एक्सपेंसेस है, फायर मेरीन इंश्योरेंस है, मिसलिनियस फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फैक्ट्री टैक्सेस है, सुपरिंटेंडेंस है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट फैक्ट्री, ये सारी चीजें जो है ये। अच्छा एक एक जो है ना अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड होता है। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है कि ये आपका एक तखमीना होता है कि मैं एक जॉब ऑर्डर जो है ना मैं करने लगाऊं, स्टार्ट करने लगाऊं, प्रोडक्शन करने लगाऊं, तो मेरा अप्लाइड एफओएच जो है, मेरा फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो इतना हो जाएगा। यानी कि आप एज्यूम करते हैं कि मेरा फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो इतना हो जाएगा। अच्छा अप्लाइड को आप एस्टिमेटेड एफओएच कह लें, आप जो है ना वो प्री डिटरमाइंड एफओएच कह लें, या आप इसको कह लें कि ये आपका एंटीसिपेटेड है। अच्छा आप देखें आपके क्वेश्चन के अंदर ये तीन ऑप्शंस होती हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड देयर मे बी थ्री सिचुएशंस व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। नंबर वन सिचुएशन ये हो सकती है देयर मे ओनली बी द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड गिवन, आपको सिर्फ एक ही फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो गिवन हो। देयर मे बी ओनली अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड गिवन, आपको या तो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड गिवन हो। अच्छा अगर तो आपके पास ये सिचुएशंस हैं कि आपको अप्लाइड गिवन है या आपको एक्चुअल गिवन है, तो आपके पास चूंकि अदर ऑप्शन नहीं है तो आप फिर अगर एक्चुअल दिया हुआ है तो एक्चुअल से आप क्वेश्चन को कर लेंगे, अप्लाइड दिया हुआ है तो अप्लाइड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ये होती है कि देयर मे बी द बोथ एक्चुअल एफओएच एंड अप्लाइड एफओएच आर गिवन, तो आप क्या करेंगे, यू विल गो विद द अप्लाइड एफओएच, तो तब आप अप्लाइड एफओएच से क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो वेरियंस होगा एफओएच अप्लाइड और एफओएच एक्चुअल के दरमियान, आप उस वेरियंस की एडजस्टमेंट करेंगे। बहुत जरूरी है, आज हम इंशाल्लाह ताला इस एडजस्टमेंट को एक क्वेश्चन की सूरत में भी करेंगे। अच्छा
अंडर अप्लाइड और फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है. सबसे पहले हम देखेंगे इफ अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज लेस देन द एक्चुअल. अगर आपका अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से कम है, ठीक है, तो द वेरियंस इज कॉल्ड अंडर अप्लाइड. दिस विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल. मिसाल के तौर पर देखें, आप एक जॉब ऑर्डर शुरू करने लगे हैं, आप एक प्रोडक्शन का एक जॉब ऑर्डर है, आप कहते हैं जी कि मेरा इसमें जो FOH कॉस्ट है, मेरा अंदाजा है, यानी कि ये आप अंदाजा लगाते हैं, मेरा अंदाजा है, एंटीसिपेटेड जो आपका FOH है वो आप कहते हैं जी कि ये 1000 होगा, जबकि एक्चुअली वो हुआ 1200. तो इसका मतलब है आपका जो FOH था वो अंडर अप्लाइड हो गया. अगर अंडर अप्लाइड FOH है तो ये क्या होगा कि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल में एड हो जाएगा, ठीक है. और दूसरी सूरत में ये है कि अगर आपका ओवर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड की सूरत में होगा इफ अप्लाइड FOH इज ग्रेटर देन द एक्चुअल. मिसाल के तौर पर आपने कहा जी कि मेरा एस्टिमेटेड FOH जो है वो 1200 है, लेकिन जब आपकी जॉब कंप्लीट हुई तो पता चला कि अप्लाइड FOH तो है वो तो एक्चुअल 1000 है. इसका मतलब है 200 रुपए से आपका ओवर अप्लाइड हो गया. अब अगर ओवर अप्लाइड है तो ये जो वेरियंस होगा ये ओवर अप्लाइड वेरियंस कहलाएगा और दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल, या आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल में से माइनस हो जाएगा. लिहाजा ये बात जो है आज इंशाल्लाह ताला हमें क्वेश्चन की सूरत में भी करेंगे. जस्ट आप लोगों को मैंने ये रिमाइंड करवाने के लिए कि आपको ये दोनों अप्लाइड और एक्चुअल FOH कॉस्ट का पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं. अच्छा जी, आप आज आप लोगों के साथ मैंने सबसे पहले मैं एक्सरसाइजेस की तरफ आऊंगा, एक्सरसाइजेस की तरफ आता हूं जी. ये देखिए, मैं सबसे पहले एक आपको एक इलस्ट्रेशन करवाने लगा हूं. आज मैं आप लोगों के साथ एक इलस्ट्रेशन शेयर करूंगा. देखें ये इलस्ट्रेशन है जी, बहुत आसान सी एक इलस्ट्रेशन है. इसका ये फॉर्मेट के मुताबिक जो है ना, आपने इस इलस्ट्रेशन को जस्ट इसकी फॉर्मेटिंग करनी है. Also ever the amounts are given in the illustration, you are supposed to put the these values in the respective format, and the result will be in the form of your objectives. जो कि आपके objectives हैं वो आपको, जो आपके outcomes हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको हासिल हो जाएंगे. देखें जी, ये illustration number 5.2 है. Actual factory overhead given, आपको actual factory overhead जो है वो given है. यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड गिवन, ओके, नो इश्यू. अब आप क्या करेंगे, अब आप एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से अपने क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन विद रिगार्ड टू अप्लाइड. तो लिहाजा हमने यही फैसला किया था कि अगर एक्चुअल गिवन है तो एक्चुअल से क्वेश्चन कर लेंगे, अप्लाइड गिवन है तो अप्लाइड से हम क्वेश्चन कर लेंगे. अच्छा जी, ये देखिए, इन्वेंट्रीज हैं आपकी, मटेरियल्स वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज हैं. सितंबर 1 की इन्वेंट्री है, सितंबर 30th की इन्वेंट्री है. सितंबर 1 का मतलब है ओपनिंग और सितंबर 30th का मतलब है क्लोजिंग. लिहाजा ये जरूरी नहीं होता कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग लिख कर दिया जाए, ठीक है. अब आप जो है वो इस लेवल के स्टूडेंट्स हैं कि अब आपको थोड़ा सा, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा. अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड देखिए, उन्होंने आपको दिया हुआ है 19000, उन्होंने आपको दिया हुआ है. इनडायरेक्ट लेबर है, फ्यूल एंड पावर है, हीट एंड लाइट वगैरह वगैरह, ये सारा मिलाकर उन्होंने 19000 दे दिया. एक्चुअल है, ओके, नो इश्यू. फिर क्या किया जी, उन्होंने आपको अदर डाटा दे दिया फॉर द मंथ, और उन्होंने कहा जी सेल्स है, परचेजिंग है, मार्केटिंग एक्सपेंसिस है, इंटरेस्ट ऑन लॉ, इनकम टैक्स, डायरेक्ट लेबर, सेल्स रिटर्न, परचेजिंग रिटर्न, एडमिन एक्सपेंसिस, गेन ऑफ सेल वगैरह 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 वगैरह. ये इंफॉर्मेशन जो है, जब आप स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो आप इस इंफॉर्मेशन को डाउन द लाइन उसमें आप पुट इन करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट्स. अच्छा जनाब, ये देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं कि स्टिच मास्टर्स ये इदारा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट हम बनाने जा रहे हैं. बहुत आसान क्वेश्चन, फॉर्मेट को जस्ट आपने अपने माइंड में रखना है और आपने चीजों को अपने फॉर्मूले के मुताबिक, अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक आपने उनको वहां वहां पे पुट इन कर देना है. जी, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल है जी, मटेरियल इन्वेंटरी है 6000, ओपनिंग है, एड परचेजेस कर देंगे, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था कि परचेजेस, नेट परचेजेस लेनी है. और जब नेट परचेजेस की बात की जाती है
या नेट सेल्स की बात की जाती है तो आपको पता होता है कि आप इसमें से रिटर्न्स माइनस कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके पास आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, लेस कर देंगे मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग 7000, तो आपके पास आ गया मटेरियल यूज्ड। आप इसको मटेरियल यूज लिख लें, आप इसको मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस लिख लें, ठीक है। ये हम एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ये एक मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करवा दूं। ये देखें इलस्ट्रेशन हमारे पास है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, ये मैंने आपको बताया हमारे पास ये कुछ जो है ना वो डाटा है। हमने इस डाटा को हमने क्या करना है कि वो कहता जी कि आप इस डाटा की मदद से आप क्या करें कि आप एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट बना दें। स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूं और आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया जी, ये इलस्ट्रेशन भी मैंने व्हाट्सएप कर दिया जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट दोबारा से हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। डायरेक्ट मटीरियल 6000 है और इसमें हमने मटीरियल ऐड किया, जो परचेजेस की हमने इसमें ऐड की 73000 की, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि हम क्या करते हैं इसमें से रिटर्न्स एंड अलाउंसेस माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद दैट इज अबाउट 71000 मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया। हमने इसमें क्या किया कि इसमें से हमने लेस कर देना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, यस क्लोजिंग इन्वेंट्री हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटीरियल यूज। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आप इसे मटीरियल यूज लिख लें, मटीरियल पुट इनटू प्रोसेस लिख लें, जो आपको अल्फाज अच्छे लगते हैं आप उसका इंतखाब कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब हम आगे चलते हैं जी। डायरेक्ट मटीरियल यूज हो गया, इसमें हम करेंगे डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे और दैट इज 24000 डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है मटीरियल और डायरेक्ट लेबर, तो दिस इज बेसिकली हमारे पास जो आ जाता है दैट इज प्राइम कॉस्ट। अब ये देखिए उन्होंने प्राइम कॉस्ट जो है ना वो लिखी नहीं है, प्राइम कॉस्ट उन्होंने लिखी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो दैट इज वेरी गुड, नहीं लिखी तो इट्स नो इश्यू। अब आप क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड इसमें ऐड कर देंगे, इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल एंड पावर, हीट एंड लाइट, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 19000 आप इसमें ऐड किया, आपके पास आ गई टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब आप करेंगे ऐड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, आप इसमें ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्लोजिंग आप इसमें से माइनस कर देंगे और आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें इसके बाद आप क्या करेंगे, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऐड करेंगे और ओपनिंग ऐड कर देंगे, क्लोजिंग माइनस कर देंगे, तो जनाब आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत आसान एक सवाल था, एक इलस्ट्रेशन थी, एक आपका वार्म अप क्वेश्चन था जो आपने मुझसे पहले पढ़ा, हम उसको एक क्वेश्चन की सूरत में कर रहे हैं। अब हम चलते हैं जी कि अगर वो आपको कहते हैं यस इनकम स्टेटमेंट बनाएं, दैट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, आप क्या करेंगे इनकम स्टेटमेंट, ये देखें स्टिच मास्टर्स इनकम स्टेटमेंट आपके पास आ गई, सेल्स 180000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज पर स्टेटमेंट गिवन, आपने जो अभी स्टेटमेंट बनाई है उसमें आपका आ रहा है 96000, तो देन व्हाट इज द नेट रिजल्ट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट 84000, लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, और इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में अदर इनकम आप ऐड कर देंगे और अदर एक्सपेंसेस जो हैं आप माइनस कर देंगे। ये देखें अदर इनकम आप ऐड कर रहे हैं, आप इसमें अदर इनकम ऐड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 3000 आप इसमें ऐड कर दें, इंटरेस्ट ऑन लोन 4000 इसमें से माइनस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा नेट डिडक्शन दैट इज 1000, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा इनकम बिफोर टैक्स, और इनकम टैक्स आपने 2500 माइनस किया तो आपके पास आ गया 2500। बहुत एक आसान सवाल, और जो है ना इस सवाल के करने के बाद भी आई एम होपफुल, वेरी मच होपफुल के यू हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक स्टेटमेंट। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, अदरवाइज आई विल मूव टू द एक्सरसाइजेस। अभी मैंने आपको आपसे एक इलस्ट्रेशन डिस्कस की है, तो आई थिंक के ये जो इलस्ट्रेशन है इसने आपको वार्म अप कर दिया है और आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी कर दिया, आई थिंक सो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जी जल्दी से मुझे बता दें, शाबाश, अदरवाइज आई एम गोइंग टू गो फॉर द एक्सरसाइज। पहली बात तो ये कि ये जो मैंने आपको दो आज आपको मैंने पीडीएफ फॉर्म्स में मैंने फाइल्स भिजवाई हैं, इंशाल्लाह ताला आपको मिल चुकी होंगी। एक फाइल जो है that is related to the exercises chapter number 5 aur ek file jo hai that is related to the solutions of the chapter number 5, theek ho gaya ji।
तो लिहाजा सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा जी, आपने पहले तीन सवाल खुद करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5.1, 5.2, 5.3। देखिए मैंने आप लोगों को एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना, यानी कि मैं कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ आप करेंगे, तो ये रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर आपको पता है कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, अदरवाइज जो है वो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट कि वो आपको सारे सवाल करवाए जाए। तो पहले तीन सवाल आप लोगों ने खुद करने हैं, 1, 2, 3, ठीक है। तो आपने चैप्टर नंबर 5 जो है 1, 2, 3, ये देखें जी आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पहले आपसे एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ जो है इसका सोल्यूशन शेयर करूंगा। और आज मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अप्लाइड, अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड का, ये इस क्वेश्चन का एक मेजर पार्ट है। लेकिन ये एडजस्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, क्वेश्चन नंबर 5.4, the following information has been extracted from the books and records of the Al-Noor manufacturing company. Al-Noor manufacturing company जो है ये जनाब एक इदारा है जो के कहता है जी के इसके records आप बनाए। देखिए इसने आपको, अगर आप ये देख रहे हैं तो इसमें material purchased है 360,000, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शो करवा रहा हूँ, मटेरियल परचेज 360,000, टोटल पेरोल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ऑफिस सर्विस, हीट एंड लाइट, पावर, इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट, बहुत सारी चीजें उसने आपको दी हैं। अच्छा अब देखिए इसमें एक चीज उसने आपको दी है, अगर आप नीचे देखें तो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 94% फैक्ट्री, तो आप क्या करेंगे कि एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड जो है 15,000 का 94% लेंगे, बाकी 4% जो है वो सेलिंग या 2% एडमिनिस्ट्रेटिव। इसका मतलब है कि बाकी जो 6% है that is related to operating expense. Tool expenses hai, miscellaneous factory overhead hai, predetermined overhead rate 50% of the direct labor cost. Achha, predetermined factory overhead rate jo hai, predetermined ka lafz istemal hota hai kuch jagah pe, kabhi isko applied FOS kaha jata hai, kabhi isko jo hai wo estimated kaha jata hai, kabhi isko anticipated kaha jata hai, kuch bhi aap keh lein, theek hai। तो आपने बिल्कुल इसको आपने परेशान नहीं होना, वो कहता जी कि जो प्री डिटरमिंड है दैट इज 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसने आपको बता दिया। अब हम इस सवाल में अगर आप ये देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें हैं, आपको उन्होंने एक्चुअली बताया है, आपको उन्होंने अप्लाइड भी बताया है। तो देखें जब ये दोनों चीजें उन्होंने आपको बता दी है तो क्या होगा कि अब आप अपना क्वेश्चन जो है वो अप्लाइड से स्टार्ट करेंगे, तो और इसमें जो वेरियंस आएगा वो मैं फिर इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि वो वेरिएंस कैसे एडजस्ट होना है। रिक्वायरमेंट में देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट ऑन द स्टेटमेंट द कॉस्ट एट नॉर्मल शुड बी इंडिकेटेड विद एडजस्टमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर अप्लाइड। तो जनाब ये अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की बात हो रही है, और जो है ना वो स्टेटमेंट जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप इस, ये क्वेश्चन नंबर 5.4 मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये 5.4 क्वेश्चन जो है आप लोगों को ये बता रहा है जनाब कि इस क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें उन्होंने आपको दी हैं, एक्चुअल भी दिया है, अप्लाइड एफओएच भी दिया है। आइए जरा हम देखेंगे जी इसका सोल्यूशन क्या कहते हैं आपको। ऑब्वियसली वी विल गो टू द सोल्यूशन और फिर हम सोल्यूशन से सपोर्ट लेंगे और हम देखेंगे कि उन्होंने एडजस्टमेंट कैसे की है। एंड जरा सॉल्यूशन को हम देखते हैं जी, ये देखें जी चैप्टर नंबर 5 के सॉल्यूशंस हैं, ये मैंने आपको ये भी पीडीएफ फॉर्म में मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिए हैं, ठीक है। आज से हमने अपनी स्टडीज का बकायदा आगाज भी कर दिया है, लिहाजा आप लोगों ने अब बिल्कुल आपने अब कंफर्ट लेवल से बाहर आ जाए और पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा जनाब हमारे पास ये देखें 5.4, अल-नूर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यस Al-Noor manufacturing company, cost of goods manufactured and sold statement for the year ended 31 December. अब देखें जी अब क्या होगा, ठीक है वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। डायरेक्ट मटीरियल जो है that is 36,000 और एड कर देंगे मटीरियल परचेस्ड, ठीक है ये 360,000 उसने हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज लेस कर देंगे मटीरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग 45,000 और हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड और डायरेक्ट लेबर उसमें ऐड करेंगे 1,26,000 है जी। डायरेक्ट लेबर जो है दैट इज 126
6000 हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे जी, हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड लेना है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इट इज वेरी मच क्लियर कि दोनों एफर्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन यू आर सपोज टू टेक फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, और आपने क्या करना है, आपने 50% लेना है। 1,26,000 का 50% कितना बनता है, 63,000। यस 63,000 आप इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास आ गया 5,40,000। इसका मतलब यह हुआ कि अब आपने अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड से अपने क्वेश्चन को किया, इसमें आप कर दें ऐड वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी लेस क्लोजिंग। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड से अपने क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो देखें जो जो आंसर आएंगे वो एट नॉर्मल होंगे, उनके साथ आपने लिखना है एट नॉर्मल। मिसाल के तौर पर देखें आपके पास आ रही है टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपने लिखना है एट नॉर्मल। आपके पास आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एट नॉर्मल। आपके पास आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एट नॉर्मल। आपके पास आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके पास यहाँ पे आ गया एट नॉर्मल। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आया कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आपने ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड कर दी, क्लोजिंग माइनस कर दी, तो आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन 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 आपने यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ लफ्ज लिखने एट नॉर्मल। क्यों? उसकी वजह यह है कि अभी आपने वेरियंस को आपने एडजस्ट करना है। आए जरा देखते हैं जी वेरियंस की कैलकुलेशन। इससे मैं आपको पहले ये देखें आप ही के इस हैंडआउट में जो कि आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर किया, कैलकुलेशन ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। आप क्या करना है कि आपने सबसे पहले देखना है कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है कितना। देखिए फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज हैं 12,000, हीट एंड लाइट है 4,500, पावर कॉस्ट है 3,500, इंश्योरेंस है 1,500, इनडायरेक्ट मटीरियल परचेज एंड यूज है 10,000, सुपरिटेंडेंस है 2,500, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग जो भी है सारा। देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दैट इज 14,100, टूल एक्सपेंसिस 900, मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है 1,650। टोटल हो गया आपका 59,650। इट मींस दैट योर टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है दैट इज 59,650, लेकिन आपका अप्लाइड कितना है वो तो हमने लिख किया था 63,000, 1,26,000 का 50% लिया था एंड दैट वाज अबाउट 63,000। तो अब मुझे बताएं कि अप्लाइड ज्यादा है कि एक्चुअल ज्यादा है। डेफिनेटली आपका एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कम है, जबकि आपका अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है दैट इज ग्रेटर देन 3,350। This is called over applied factory overhead cost. जब आपका ये over applied factory overhead cost आता है, तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि आप क्या करेंगे, इसको cost of goods sold at normal में से minus कर देंगे। तो अब आप देखें, आपने सबसे पहले आपने ये देख लिया कि ये over applied कैसे आया, आपने total calculate किया actual applied का और actual का variance लिया। तो हमने कहा था if आपका जो है वो applied FOH cost is greater than your actual, तो over applied है। तो अब आप देखें ये आपके सामने दोबारा से स्टेटमेंट आ गई है, आपने लिखा हुआ है cost of goods sold at normal 537,000, इसमें आप कर देंगे less over applied 3,350, आपके पास आ गया cost of goods sold at normal। तो ये वो एडजस्टमेंट थी कि जो कि बहुत ही जरूरी है, आपके क्वेश्चंस में आएगी ये एडजस्टमेंट, जिसमें आपको अंडर और ओवर अप्लाइड के कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो आपसे पूछा जाएगा, और फिर आपने दोनों का वेरियंस लिखे। अप टिल नाउ एनी क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कि देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जो जीआर हैं वो कहते हैं कि नहीं सर ये हो नहीं सकता कि मैं सवाल ना करूं आपसे। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सर? जी सर ठीक ठाक। जी सर मैंने ये अंडर और ओवर अप्लाइड का पूछना था कि आपने कहा कि क्वेश्चन में अगर या तो एक अगर दिया होता है अंडर दिया वो सॉरी एक्चुअल दिया हो या अप्लाइड दिया हो, तो आपने जी जी अगर सिर्फ अप्लाइड दिया हुआ है एक्चुअल दिया ही नहीं हुआ तो फिर हम तो फिर आपने सिर्फ अप्लाइड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, और फिर जब वो एट नॉर्मल वाली बात आपने की है वो नहीं करेंगे हम लोग। नहीं वो नहीं करेंगे, देखिए ना यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो अगर अप्लाइड दिया हुआ तो अप्लाइड से क्वेश्चन सॉल्व करके तो मुझे हैंड ओवर पेपर मुझे हैंड ओवर कर दें बस, और आप अच्छा। घर चले जाएं बस। सही यही तो मुश्किल है। पेपर हैंड ओवर करने को दिल ही नहीं करता कसम से, जब
तो दिल करता था कि कोई सर स्पेशली आपके पेपर में तो मिस्टेक्स रह ही जाती है जो मर्जी रह जाती है डेफिनेटली। मैं बिल्कुल आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूं कि जो भी न्यूमेरिकल पेपर्स होते हैं उसमें डेफिनेटली उसमें जो है वो आप का दिल करता है कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाए। अच्छा जी काशिफ हमसे कोई बात करना चाह रहे हैं। जी काशिफ बेटे सर अभी जो क्वेश्चन के अंत पे जी सर जो अभी क्वेश्चन के अंत पे हमारे पास जो 63,000 के जो अप्लाइड थे वो ज्यादा आ रहे थे। अगर अदरवाइज दूसरे सिनेरियो में अगर देखा जाए अगर कोई जो एक्चुअल है वो ज्यादा हो तो फिर क्या उसको ऐड करेंगे? हाँ देखिए मेरी बात सुने, अगर तो अंडर अप्लाइड होता, अंडर अप्लाइड का क्या तरीका कार होता है कि अगर आपका अप्लाइड एफएच कॉस्ट जो है ठीक है दैट इज स्मॉलर देन एक्चुअल अप्लाइड तो फिर अंडर अप्लाइड हो जाता ना। अगर अंडर अप्लाइड की सूरत में हमने जमा कर देना था, ऐड कर देना था। ओके समझ गया ठीक है ना। अब आप देखिए ना आपने काशिफ ने एक सवाल किया कि सर उसके अदरवाइज अगर होता, उसके अदरवाइज, अदरवाइज का क्या मतलब है? ये देखें ये मैं दोबारा आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए अदरवाइज होता, देखिए आपका एक्चुअल अगर होता 63,000 और अप्लाइड होता 59,650 तो क्या हो जाए? अंडर अप्लाइड आ जाना था 3350 तो हमने क्या करना था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये एड कर देना था 3350। क्यों जी काशिफ, यू गॉट माई पॉइंट? आई गॉट इट सर, थैंक यू। ओके ओके जी ओके okay.